हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सेफ वर्क प्लेस एट कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे होने वाले जो जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन पे हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी जगह है जहाँ पे हम क्या कैसे कर सके वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐसा प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं रहता है, कैसे रहेगा, कंस्ट्रक्शन का काम है भाई, तो सामान तो फैला पड़ेगा ही, है ना। तो उधर प्रॉपर हाउसकीपिंग कैसे दें, अगर हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं रहेगी तो कैसे वर्क ठीक से हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा ही कन्फ्यूज़ करती हैं कि हम कैसे सेफ्टी मेंटेन रखें, हम कैसे क्या वर्क करें। तो देखिए, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन साइट अगर वर्क कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, देखिए। तो पहले आप जब भी साइट स्टार्ट हो रही हो तो आपको इमरजेंसी प्लानिंग करनी होगी वहाँ पे। ठीक है, आपको असेंबली पॉइंट बनाना होगा वहाँ पे, फायर एक्सटिंग्यूशर जो हैं, पूरा फायर एग्जिट प्लान बनाना होगा इन केस अगर आग लगती है तो हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ें पहले ऑब्जर्व करके आपको ये सारी प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप वर्क प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पर वर्क कर रहे हैं, जिस टाइप का आपको वर्क करवाना है उसके लिए प्रॉपर SOP बनी हो। ठीक है, SOP से बेनिफिट ये होगा कि जो वर्क है वो प्रॉपर वे में किया जाएगा। ठीक है, तो वर्क अगर प्रॉपर वे में होगा तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं, है ना। देन उसके बाद आप वर्क परमिट इशू करने से पहले JSA करें, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, और वर्क परमिट पर्टिकुलर उसी पर्सन को इशू करें जो उस वर्क को जानता हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या है, आपका वर्क जो है वो सेफली हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे बहुत सारे होने वाले एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको हम कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे हम उसका रिस्क जो है रिस्क एनालाइज करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब वर्क प्लेस पे होते हो तब आप देख पाओगे, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पाओगे उसमें कितना रिस्क है और आप कैसे उसे हटा सकते हैं, रिस्क एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, जैसे कि पहली रिस्क आती है हाइट, लाइट, वेंटिलेशन, इस तरीके की रिस्क, इस तरीके के सिचुएशंस आती हैं। हाइट पे क्या, जब आप हाइट पे वर्क कर रहे हो तो आप कैसे सेफ रहें। ठीक है, तो उसके लिए भी ये है, अगर आप हाइट पे वर्क करें तो प्रॉपर PPE वेयर करें, हाइट पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करें वो प्रॉपर गार्डरेल से हो। ठीक है, जिससे कि आप इधर उधर ना गिरें। अब हाइट पे वर्क कर रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, जो होता है ना एक फॉर्कलिफ्ट टाइप का, वो क्रेन टाइप की होती है जिससे आप ऊपर उठ के जा सकते हैं, तो इस तरीके के अगर प्लेटफॉर्म पे वर्क करें तो वहाँ वही सामान हो जो आप यूज़ करें। ठीक है, और प्रॉपर इसके बाद हाइट पे आपको प्रॉपर PPEs वेयर करनी है। ठीक है, और हाइट पे वर्क चल रहा है तो कॉशन भी लगा दें ताकि कोई एक्स्ट्रा पर्सन एंटर ना करे। ठीक है, उसके बाद लाइटिंग की बात करूँ मैं अगर, तो लाइटनिंग में ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट है तो वर्क तो चलेगा उसमें, सुबह को, दिन को और नाइट शिफ्ट को भी वर्क चलेगा। तो नाइट में जो होने वाले वर्क हैं उधर लाइट की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लेक ऑफ लाइट क्या कर सकता है, काम को बिगाड़ सकता है। प्रॉपर अगर रोशनी नहीं होगी तो कैसे काम हो पाएगा ना। तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है कि प्रॉपर लाइटनिंग वहाँ हो। ठीक है, वेंटिलेशन, क्या वहाँ वेंटिलेशन ठीक से हो रहा है जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से आप बच के अपना जो वर्क है वो करते हैं तो आप बहुत हद तक एक्सीडेंट से बच सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ साइट सेफ्टी साइंस की, तो ये साइंस कुछ रहते हैं जिनको लगा के आप क्वेश्चन लगा के बहुत सारी चीज़ों से अलर्ट हो सकते हैं, दूसरों को अलर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हाइट पे वर्क चल रहा है तो आपने हाइट के लिए लगाया, को एक्सकवेशन हो रहा है तो आपने एक्सकवेशन के लिए लगाया कि इतने मीटर पे एक्सकवेशन चल रहा है तो बी केयरफुल। ठीक है, विजिटर्स के लिए, विजिटर्स एंटर अगर कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड। ठीक है, कोई भी एरिया अगर रिस्ट्रिक्टेड हो तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर ना करें, क्योंकि क्या पता वहाँ किस तरीके का एक्सीडेंट हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक्सीडेंट्स बन सकते हैं जल्दी ही, पर अगर हम सेफ्टी मेंटेन थोड़ा भी करते हैं तो हम उन एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो जैसा कि बताया आपको, जो एक्सेस पॉइंट है अपना, एक्सेस प्लान है, इमरजेंसी एग्जिट हैं, उन पर अगर हम वर्क करें तो यही है। देखिए, ऑल ओवर कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो एटलीस्ट सारे जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग हो। ठीक है, ट्रेनिंग उन्हें दी जाए कि अगर आग लगती है तो क्या करना है।
ठीक है, असेंबली पॉइंट कहाँ है, उस असेंबली पॉइंट पर पहुँचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक उन लोगों को नहीं इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा काम होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट का, जो कि उनको अवेयर करें ऐसी चीज़ों से, ठीक है। तो सेफ वर्क प्लेस रखने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने होंगे, इस तरीके से आप सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, सेफ्टी प्रिवेंट कर सकते हैं। और फायर एग्जिट प्लान भी आपको मेंटेन करना होगा, फायर एग्जिट प्लान भी आपको बनाना होगा कि आग अगर लगती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है। प्रॉपर जगह जगह पर एक्सटिंग्यूशर होने चाहिए, जिससे कि इनकेस कभी आग भी लगती है तो वहाँ के लोग घबराएं ना। अब घबराएंगे तो तब नहीं ना जब आप ट्रेनिंग देंगे उन्हें, तो ट्रेनिंग अगर अच्छे से प्रोवाइड की जाए तो वो सारी चीज़ें भी मेंटेन वहाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेफ वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग बताया आपको। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं तो टॉपिक ही उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये उसका स्टार्टिंग है, यहीं ख़त्म नहीं होती है वर्क प्लेस सेफ्टी कंस्ट्रक्शन साइट की। तो इसके आगे भी मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी, पर जो मेन पॉइंट थे चार जो थे वो आज के ये पॉइंट थे। इसमें क्या है, आपको सिर्फ मेन चीज़ें बताएं कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कैसे करें। तो स्टार्टिंग में यही है कि आपको पहले प्लान्स बनाने होंगे, सेफ्टी के रिगार्डिंग प्लान बनाने होंगे, है ना। एमरजेंसी प्लानिंग करनी होगी, एमरजेंसी टीम तैयार करनी होगी, अपने वर्कर्स को ट्रेंड करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत हद तक एक स्टेप दो स्टेप आप कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से, जिन पे सेफ्टी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्काफ फोल्डिंग कर रहे हैं और भी बहुत सारे काम। तो ये मैंने आज आपको सेफ वर्क प्लेस के बारे में बताया, उसका पार्ट वन है ये, कल मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए ये हाइट लाइट वेंटिलेशन ये मैंने आपको समझाया, और हीटिंग का भी। देखिए क्या होता है, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही होती है तो उस समय पे जब भी वर्क जो चलता है कंस्ट्रक्शन साइट का वो हमेशा नाइट में चलता है, तो नाइट के टाइम पे जो वर्क चलता है उसके लिए लाइटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो लाइट्स के अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे होने चाहिए तो वर्क आपका सेफली हो पाएगा, क्योंकि अंधेरे में अगर कोई वर्क करेगा तो कैसे प्रॉपर होगा, वो काम तो काम ठीक नहीं होगा और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, सो थैंक यू।